दोस्तों, मैं अनिल यादव और आज बादशाहपुर विधानसभा चुनाव को लेके जाटों के गांव बसई में पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सब यहां जाट समुदाय के व्यक्ति बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस नेता को सपोर्ट करेंगे जो गांव बसई के लिए विकास कार्यों में कोई ढील ना छोड़े, या इस गाँव में पिछले 10 सालों में क्या भाजपा के काम में कार्यकाल में कोई काम हुए या नहीं हुए, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। राम राम जी सभी को। सर, क्या कहना चाहेंगे बादशाहपुर चुनाव को लेके? सर, बादशाहपुर में हमारे गांव में कोई विकास होया को नहीं 10 साल में। हमारे गांव में ये समस्या है जी। कोई मकान बनावे है, निगमाड़े आ जावे हैं, सीवर की समस्या है हमारे गांव में। बारिश के टाइम में गलियों में 2-2, 3-3 फुट पानी रहता है हमारे गाँव में। क्या लगता है सर, ये समस्या अकेले बसई के अंदर है या बादशाहपुर के नज़दीक आपके जो गांव लगते हैं उनमें भी ये समस्या बनी हुई है? देखो, सुनने में तो आ रहा है सारा, हम तो बसई के हैं, बसई की बता सकते हैं आपको। सर, बादशाहपुर के अगर क्षेत्र को लगा के चले विधानसभा को, हाँ जी, तो बसई के अंदर जाटों का एक अपना अलग वजूद है। यहाँ की वोट कहीं इसलिए तो नहीं है कि हुड्डा जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वो जाति वाइज तो वोटों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो? नहीं, जाति वाइज कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम अपने गांव के विकास के लिए वोट, गांव के विकास के लिए वोट दे रहे हो? वोट दे रहे हैं। तो कौन नेता आपके लिए बेस्ट रहेगा सर? देखो जी, सबसे अच्छा इनमें हमने वर्धन जी लग रहे हैं। क्या लगता है, युवा नेता है, काम कर पाएगा? हाँ, युवा नेता, उम्मीद है उससे, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह भी दिग्गज नेता है सर, गुड़गांव से, बादशाहपुर से, तो वो भी देखो जनसभाएं संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई हरियाणा में विकास की तर्ज पे विकास पुरुष की, जिनको गिनती में आते हैं कि विकास पुरुष राव नरवीर सिंह, तो आपको लगता है कि आपके गांव में कोई विकास राव नरवीर सिंह? देखो, राव नरवीर सिंह पिछले 5 साल इस योजना से पिछली योजना में रह गए जी। पिछली योजना में हमारे गाँव का यही हाल था। अगर हमारे गाँव में तहसील आ रही थी, तहसील भी कादी पर लेकर चले गए। हमारे गाँव का नाम लिखा हुआ था जी, गाँव की तहसील बसई से हटाकर कादी पर में लेके गए हैंगे। तो किस आधार पर हमारे गांव के बिजली की, पानी की, सीवर की ये समस्या, हम तो विकास के लिए वोट करेंगे जी। कहना चाहेंगे बादशाहपुर के लिए कौन सा नेता ठीक रहेगा? भाई वर्धन यादव। खास वजह क्या रहेगी सर? खास वजह भाई पढ़ा लिखा है, ठीक है, 33 साल उम्र है जी, बढ़िया काम करेगा, आगे उसने भी अपना राजनीतिक करियर बनाना है। मंत्री जी ने भी ये कहा है, पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह का कहना है कि लास्ट इलेक्शन है मेरा, तो लास्ट इलेक्शन है भाई, कोई ऐसा तो है ना कि लोग की नाराजगी देखेगा, वो जैसे हैं वैसे रह जाऊंगे, 5 साल बाद उसने तो फील्ड में आके वोट ना मांगनी ना भाई। दीपेंद्र जी ऐलान करके गए हैं जी, अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है तो उप मुख्यमंत्री वर्धन यादव का चेहरा होगा। क्या लगता है कि वर्धन यादव कांग्रेस आने के बाद उप मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बन जाओगा भाई, क्या कमी है, बहुत बढ़िया नेता है, पढ़ा लिखा ही हो, राजनीतिक समझ बहुत बढ़िया है, लोगों की समस्याओं का पता है, धरातल पर काम करने वाला आदमी है भाई। क्या कहना चाहेंगे बादशाहपुर की चुनावी दौड़ में कौन नेता आगे रहेगा? भाई साहब, अभी तक तो हमारे नेता वर्धन यादव बहुत बढ़िया इलेक्शन दिखा रखा है उन्होंने, और बहुत बढ़िया वक्ता है जी, अच्छा काम करेंगे, युवा है। सर, शब्दों से प्रभावित है या काम से प्रभावित है? काम तो जी अभी बढ़ेंगे तब काम देखेंगे, अभी तक हमने जो देखा है, भाई ने जो समस्या जो हमने बताई थी उनमें पहले ही कह दिया, बोला मैं बनूं ना बनूं आपकी समस्या का समाधान होगा। सर, कहीं सुनने में काफ़ी गांवों के सर्वे में ये भी आया कि भाई जाट समुदाय के लोग भी दो अहिर कम्युनिटी से खड़े हैं, एक जाट समुदाय से, राकेश दौलताबाद जी के परिवार से जी। तो क्या लगता है, उन्होंने आपके गाँव में नज़दीक गाँव के भी दौलताबाद से कोई विकास कार्य राकेश जी ने नहीं करवाए? राकेश दौलताबाद जी काम तो जब करवाओगे जब आओगा, वो तो आया एक उन्हें एक बार भी नहीं, आपके गांव में एक बार भी नहीं आया, धनवाद द्वारा भी करने नहीं आया वो जी। तो वर्धन यादव लगता है आपको कि गुड़गांव के लिए, बादशाहपुर के लिए बेस्ट होंगे? पहले नंबर पर वर्धन यादव ही रहेगा अपने गुड़गांव में, बढ़िया काम करके दिखाओगा हमारे लिए, क्योंकि युवा है, हमें बहुत अपेक्षा उससे। भाई कहना चाहोगे बादशाहपुर की चुनावी दौड़ में कौन सा नेता आगे निकल सकता है आपके गाँव से? भाई फिलहाल तो हमारे गांव में शुरू से ही वर्धन यादव आगे है जी। कितने परसेंट वोट बनेंगे सर? भाई कम से कम 70% के आसपास में अकेला है वर्धन यादव, और 30% में अदर पार्टी है। एक तरफा माहौल की सर मुख्य वजह? मुख्य वजह यही है, गांव में भी काम नहीं हुए पहले जी। भाई राव नरवीर सिंह भी रहे जी, 2014 से 2019 तक जी, जब भी काम नहीं हुए, गाँव की समस्या दूर नहीं हुई जी। उसके बाद स्वर्गीय राकेश दौलताबाद जी रहे, उनसे भी जो गांव को उम्मीदें थी ना वो पूरी नहीं हुई,
तो गांव ने तो पूरा साथ दिया था राकेश दौलताबाद का पिछली बार जी। तो उनसे दूर जाने की वजह यही है, गांव में विकास कार्य नहीं करा पाए वो और ना आए। भाजपा के कार्यकाल से परेशान रहे गांव के लोग? बिल्कुल, भाजपा से तो परेशान है ही है।